असंभव को संभव बनाने का यत्न नहीं करना चाहिए। किसी नगर में जीर्णधन नामक बनिए का एक पुत्र रहा करता था। धन कमाने के लिए उसने विदेश जाने की सोची। उसके पास मन भर लोहे की तराजू के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने वह तराजू एक सेठ के यहाँ गिरवी रखवा दी और फिर विदेश को चला गया। धन कमाकर विदेश से लौटने के बाद उसने सेठ से अपनी तराजू वापस मांगी, परंतु सेठ बोला कि तुम्हारी तराजू तो चूहे खा गए हैं। बनिए का लड़का समझ गया कि वह उसे तराजू नहीं देना चाहता। कुछ सोच कर वह बोला, सेठ जी कोई बात नहीं, तराजू चूहे ने खा ली तो इसमें आपका क्या दोष, आप चिंता ना करें। थोड़ी देर के बाद बनिए के पुत्र ने कहा कि मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, आप अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दीजिए, वह भी नहा आएगा। सेठ ने सोचा कहीं ये मेरे ऊपर तराजू की चोरी का आरोप न लगा दे। उसने अपने पुत्र धनदेव को बुलाकर कहा, बेटा तुम्हारे ये चाचा जी स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम भी इनके साथ स्नान कराओ। बनिए के पुत्र ने धनदेव के साथ नदी में स्नान किया और फिर उसको वो गुफा में छिपाकर विशाल शिलाखंड से बंद करके लौट आया। धनदेव को लौटा हुआ न देखकर सेठ ने पूछा, मित्र मेरा पुत्र कहाँ है? उसको तो नदी के किनारे से एक बाज उठा ले गया। जीर्ण धन ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, बाज कहीं लड़के को उठाकर ले जा सकता है भला? मेरे लड़के को वापस ला कर दो, नहीं तो मैं न्यायालय में शिकायत करूंगा, सेठ ने कहा। दोनों वाद विवाद करते करते न्यायालय पहुंच गए। सेठ ने न्यायाधीश से कहा, सरकार यह अन्याय हो गया, मेरे पुत्र का अपहरण इसने कर लिया है। उसकी प्रार्थना सुनकर न्यायाधीशों ने कहा, अरे बने सेठ के पुत्र को दे दो। मैं क्या करूं सरकार, इनके लड़के को नदी के किनारे से एक बाज उठा कर ले गया है, मैं कहां से लाकर दे दूं, बनिए के पुत्र ने कहा। तब न्यायाधीश बोले, तुम्हारी बात असत्य है, बाज किसी लड़के को उठाकर ले जाने में समर्थ नहीं होता। मेरी भी बात सुन लीजिए, जिस नगर में चूहे एक मन की लोहे की तराजू को खा सकते हैं, उस नगर में बाज लड़के को भी उठाकर ले जा सकते हैं, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, बनिए के पुत्र ने कहा। तब न्यायाधीश बोले, वो कैसे? तब बनिए के पुत्र जीर्णधन ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर न्यायाधीशों ने दोनों को समझा दिया और एक दूसरे की तुला व पुत्र दुलवा दिया। यह कथा सुनकर करकटक ने कहा, तुमने भी असंभव को संभव बनाने की कोशिश की है, तुमने स्वामी का हित करते करते अहित कर दिया। ऐसे हित चिंतक मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु श्रेष्ठ होता है। दमनक ने पूछा, वो कैसे? तब करकटक ने कहा, सुनो मैं सुनाता हूँ आगे की कथा।